हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दुबे, आपका फंड एडवाइज़र और बिजनेस कंसल्टेंट, और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जागो इंडिया जागो पे। दोस्तों, आप अपने सेविंग्स को अच्छा रिटर्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। जैसा कि कल दोस्तों मैंने आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF के बारे में बताया, आज मैं आपको MIS मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं ऐसे ही नए सरकारी योजनाओं को अपने चैनल के थ्रू आपके पास रखता हूं। अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं और सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर खर्च के लिए हर महीने निश्चित रकम चाहते हैं तो भी यह स्कीम आपके लिए सही है। मासिक आय योजना MIS केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत चलाई जाने वाली एक निवेश योजना है। इसमें 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है, साथ ही डेट इंस्ट्रूमेंट की तुलना में बेहतर रिटर्न भी मिलता है। यह FD की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता है। इसमें आपको एक निश्चित मासिक आय होती है। इसमें आप न्यूनतम ₹1,500 हर महीने जमा करके निवेश शुरू कर सकते हैं। अपनापैसा.com के पूर्व CFO और निवेश सलाहकार बलवंत जैन का कहना है कि ज्यादातर बैंकों में FD स्कीम में ब्याज दर 6.7% से 7% सालाना ब्याज मिलता है, यानी सीधे तौर पर करीब 1.3% का ज्यादा ब्याज का फायदा हमें यहां मिलता है। हालांकि MIS में ब्याज दर हर 3 महीने में रिवाइज होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको MIS की हर वो बातें जो आपको पता नहीं है, और बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की खास बातें, अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। MIS के लिए परिपक्वता अधिक अवधि 5 वर्ष है। इस स्कीम में आप अधिकतम 9 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपनी पत्नी या बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो भी 9 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। नाबालिग के नाम से भी इसमें खाता खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा खाता में 3 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है। दूसरा नंबर, खाता धारक हर महीने न्यूनतम निवेश की सीमा, सिंगल अकाउंट 1500 रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये अधिकतम, ज्वाइंट अकाउंट के लिए 1500 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए अधिकतम। तीसरा, टैक्स छूट नहीं मिलती। आयकर कानून की धारा 80C के तहत इस स्कीम को टैक्स छूट नहीं मिलती। MIS के ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि इसमें आप इस पूरे अवधि के लिए अपनी निश्चित मासिक आय प्राप्त करते रहते हैं। चौथा, खाता ट्रांसफ़र की सुविधा। MIS में खाता ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरे शहर में आपका MIS अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता। पांचवा, एक से ज़्यादा अधिक खाता खोलने की सुविधा। MIS में आप एक से ज़्यादा खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अधिकतम 4.5 लाख निवेश कर सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो वो अधिकतम 9 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकेंगे। सिंगल अकाउंट को बाद में भी ज्वाइंट में बदला जा सकता है। लास्ट, 5 साल से पहले पैसे वापस लेने पर नुकसान। इस स्कीम में समय से पहले पैसा निकालने पर नुकसान है। 1 साल के भीतर जमा पैसा वापस ले लेने पर आपको इस पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले पैसा निकालने पर आपको 2% पेनल्टी देना पड़ता है। 3 साल के बाद जमा वापस लेने पर 1% कटौती के बाद आपको जमा राशि मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सेविंग्स को वैल्यूबल रिटर्न्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते।